आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की झुग्गी के हिमायती बनने वाले आज उन्हीं गरीबों की झुग्गी तोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार ने इस मुद्दे पर MKN न्यूज से खास बातचीत की, तो आइए सुनाते हैं विधायक प्रवीण कुमार ने क्या कुछ कहा। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी से विधायक प्रवीण कुमार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी पे आपने आरोप लगाया है कि गरीबों के झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है और कहाँ पे किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सुंदर नर्सरी है जो कि DPS स्कूल के पीछे पड़ती है और जो ये ड्यूसिप में नोटिफाइड जो है वो क्लस्टर है। भारतीय जनता पार्टी की LNDO को भी पता है कि ये नोटिफाइड क्लस्टर है, DDO को भी पता है ये नोटिफाइड क्लस्टर है और बिना रिहैबिलिटेशन के इनको हटाया नहीं जा सकता, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद भी लगातार जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वहाँ पे की जा रही है। कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए जो है इंक्रोचमेंट रिमूवल किया जाए, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए लगातार LNDO जो है अपने पावर का यूज़ कर रहा है, अपनी मशीनरी का यूज़ कर रहा है और लगातार गरीबों के मकान उजाड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि वो दिल्ली की बहुत प्राइम लैंड है, दिल्ली के बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन है और किसी बड़े उद्योगपति की उस पर नज़र है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे लगातार जो है वो सारे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को जो है वो दरकिनार करके वहाँ पे उस उन जगह को खाली कराना चाहती है, या तो भारतीय जनता पार्टी अपना एक ऑफिस बनाना चाहती होगी। एक बड़ा ऑफिस जो है, दो ऑफिस इन्होंने बना लिए, एक दूसरा तीसरा ऑफिस जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है अपना बड़ा हेडक्वार्टर बनाना चाहती होगी। सर, अभी तक कितने मकान तोड़े गए और कितने मकान जो है रजिस्टर्ड है? 216 मकान रजिस्टर्ड है जिसमें से 25 मकान जो है वहाँ पे तोड़ दिए गए और जो कि जो है वायलेशन है और भारतीय जनता पार्टी वाले जानबूझ के इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली से जो है गरीब खत्म हो जाए और वो एक तरीके से दिल्ली के लोगों के साथ बदला निकालना चाह रहे हैं। लगातार दिल्ली के लोगों के साथ जिस तरीके से दिल्ली के गरीबों ने, दिल्ली की आम जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, अरविंद केजरीवाल को चुना, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो चाहते हैं कि गरीब जो है दिल्ली से चला जाए और पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी एक तरीके से आम आदमी पार्टी को वोट देने के का बदला जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकालना चाह रही है। बीजेपी लेकिन बात करती है कि वो सबकी पार्टी है और वो जहां झुग्गी वहां मकान भी लेकर आई थी स्कीम। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते कुछ है करते कुछ है, जिन्हें अभी तक यही नहीं पता कि 2000 के नोट चालू करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा या बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, बस आए दिन लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले की बातें जो है वो गधे की लाते बराबर है, इनको कुछ नहीं पता। ये जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा करते हैं, वहाँ जा जाके फ्लैट दिखा देते हैं लोगों को चुनाव के टाइम में गाड़ी में भर भर के, और उसके बाद जो है जैसे चुनाव खत्म होते हैं वहाँ फिर मकान पे बुलडोजर चलाने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये था हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से विधायक प्रवीण कुमार। MKN न्यूज़ के लिए दिल्ली से सबसे